रेणुका जी के मामले में संसद में जो कल जब पीएम का स्पीच हो रहा था उसमें जब ठाके लगाए गए उसको लेकर के कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। किस बात का माफी मांगनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री एक देश की परंपरा है, आखिर आज कांग्रेस विपक्ष में है तो भाजपा एनडीए भी विपक्ष में थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर प्रधानमंत्री कोई भी हो वो प्रधानमंत्री जब बोल रहा हो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे, तो कभी भी किसी विपक्ष ने आकर के सदन में पूरे सदन में 1.5 घंटे लगातार प्रधानमंत्री के भाषण को बाधित किया हो। आखिर हम कहाँ ले जा रहे हैं इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को? पूरी दुनिया देख रही कि अगर पूरे देश के सत्ता पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद अगर प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हैं तो वो आपको अवसर किसको सुनिए, अगर उसमें से कोई सवाल पूछना तो पूछने का अवसर है। TDP के लोग बेल में थे, वो चले गए वापस, कांग्रेस का उस समय कोई इशू भी नहीं था, कांग्रेस बैठी हुई थी। इससे साफ है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं किसी नेता के इशारे पे जानबूझकर के प्रधानमंत्री की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, और वहाँ भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ राज्यसभा में टोका टाकी हो रही थी, आखिर रामायण के जिस तरीके का एक है कि उस तरह से हंसने का क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लोग अगर आप उसको समझ रहे हैं कि अपने ऊपर हैं तो फिर तो कम से कम भविष्य में इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए कि पूरा देश पूरा सोशल मीडिया इस बात को ले कि राज्यसभा में जिसको हमने MP के रूप में रेणुका जी को भेजा था उनकी भूमिका एक रामायण के सीरियल की तरह से हो गई।